अभी तक आपने जिस एयरपोर्ट पर यात्रा की होगी वहां से आपको यात्रा करने के लिए विमान ही मिले होंगे, लेकिन अब एयरपोर्ट पर आपको विमान के अलावा रिश्ते भी मिलेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की, जो एक बार फिर कुछ अलग करने को लेकर चर्चा में आ गया है। जी हाँ, इंदौर एयरपोर्ट पर शादी के लिए अब रिश्ते भी मिलेंगे और इंदौर एयरपोर्ट ऐसा करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट होगा। इसके लिए एयरपोर्ट पर एक मैट्रिमोनियल कंपनी द्वारा बात की गई थी और उन्होंने अपना काउंटर खोलने की अनुमति मांगी थी। इस पर प्रबंधन द्वारा मुख्यालय से बात कर अनुमति मांगी गई थी, जो कि 2 दिन पहले ही मिली है। अब कंपनी द्वारा अगस्त के पहले सप्ताह से अपना कार्यालय एयरपोर्ट पर शुरू कर दिया जाएगा। कंपनी ने तैयारी अक्सर आने जाने वाले यात्रियों को ध्यान में रखकर की है, क्योंकि यात्री सिक्योरिटी जांच विमान में सवार होने के बीच करीब 1 घंटा तक फ्री रहते हैं और कुछ लोग कुछ खरीदना भी नहीं चाहते हैं, ऐसे में वो अपने समय का उपयोग कर सकते हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यमा सान्याल ने बताया कि कंपनी द्वारा जल्द ही काउंटर शुरू किया जाएगा और कंपनी सिर्फ मैच मेकिंग नहीं करेगी बल्कि क्लाइंट का पूरा डेटा भी उपलब्ध कराएगी। वहीं 15 जुलाई से दुबई के लिए फ्लाइट भी शुरू होने जा रही है। इसके लिए यात्रियों को मनी एक्सचेंज करवाना होगा, लेकिन अब यात्रियों को मनी एक्सचेंज कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इस माह से ही यात्रियों के लिए काउंटर खुल जाएगा। अब यात्री भारतीय मुद्रा को दिरहम और दुबई से वापस आने के बाद दिरहम को भारतीय मुद्रा में बदलवा सकेंगे। तो अब इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं। जहां इंदौर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है और 15 जुलाई से यहां इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ने लगेगी, वहीं अब यात्रियों का यहां खाली समय में रिश्ते देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मनी एक्सचेंज के लिए भी यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, उन्हें ये सुविधा भी यहीं पर मिल जाएगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।